मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना की जन आक्रोश रैली राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई। महावीर प्रकाश चौक झांसी से होते हुए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में संपन्न हुए। इस अवसर पर क्रांति सेना संस्थापक अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पूर्व भाजपा जब विपक्ष में थी तो हिंदुत्व के मुद्दों को जोर शोर से उठाती है, लेकिन आज केंद्र व प्रदेश की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने हिंदुत्व को छोड़कर अन्य मुद्दों पर भटक चुकी है। प्राइम मेगा न्यूज शनि के लिए पवन अग्रवाल मुजफ्फर। आज क्रांति सेना के द्वारा एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र की बीजेपी सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ दिलाना था जो कभी उसने सत्ता में आने से पहले हिंदू समुदाय से किए थे, जैसे कि देश में घुसे करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बात थी, जम्मू कश्मीर के 10 लाख से अधिक विस्थापित हिंदू जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं उनके पुनर्वास का मामला था, बेसहारा रूप से घूम रहा गौवंश जो कूड़ा करकट खा रहा है शहर की सड़कों और गलियों में और गाँव में फसल बर्बाद हो रही किसानों की, इस तरह के अनेक हिंदुवादी मुद्दों को लेकर क्रांति सेना की आज जन आक्रोश रैली थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है जो प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन है, और हमारा कहना है कि उपरोक्त मांगों पर यदि केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शिवसेना जिसे आपने शुरुआत की बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया, वो शिवसेना अब शिंदे गुट की हो गई है, चुनाव चिन्ह भी और पार्टी भी, उसके लिए कहना चाहते हैं? वो तो शिवसेना का एक अंदरूनी मामला था, उद्धव साहब ठाकरे चूँकि बाला साहब के वारिस थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी के विधायक एमपी जो थे उनका कोई सम्मान नहीं किया, चूँकि हम लोग तो उनसे बहुत पहले अलग हो चुके थे, लेकिन हमें पता था कि उनकी कार्यशैली से शिवसेना का जो है बर्बाद होना एक दिन निश्चित है, और वो आज कारण सबके सामने मौजूद है। क्रांति सेना की आपने शुरुआत की है, कहाँ तक पहुँची आप? क्रांति सेना पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8-10 जनपदों में अच्छा काम कर रही है और शिवसेना से बेहतर उसका कार्य है, मजबूत उपस्थिति दर्ज की है क्रांति सेना ने अराजनीतिक संगठन के रूप में।